भी आपने हमास और इसराइल का युद्ध देखा जी, इसराइल कितने संख्या है 80 लाख, एक हमारे मणिपुर के बराबर है। हाँ। आज उनके बारे में जब उनके यहाँ अटैक हुआ आतंकवाद, तो विश्व में कहीं भी उनके किसी भी डिपार्टमेंट में कार्य करते रहे हुए वहाँ की जनता, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सभी ने जा करके अपने देश के लिए अपना योगदान दिया, अपना योगदान के लिए लड़ रही। आज अग्निवीर जो योजना सरकार की आई है, ये 24 राज्य देशों में पहले से ही चल रही थी, हमारे अफसरों में भी चल रही थी, 60 सर्विस कमीशन 6 साल 8 साल, उसी तरह से हमारे जवानों के लिए भी 4 साल चली है, और 4 साल के बाद उनको पैसा दे रही, एक किस्मत पैसा पाएंगे वो आकर के अपना व्यवसाय और रोजगार कर सकते हैं। और कल देश के लिए जरूरत पड़ी, कल इसी तरह से, क्योंकि हम हिंदुस्तान में, हमारे लिए बीच में कोई देश नहीं है कि हमको शरण देगा, हम लोग अपने हिंदुस्तान में रहेंगे। तो आज जो हमारे ये बच्चे अग्निवीर आएंगे, जो हमारी बच्चियां अग्निवीर होकर के शिक्षित होकर के आएंगी, कल उनको ये रहेगा कि मैं हिंदुस्तान का नमक खाया हूँ, माँ भारती के लिए ट्रेनिंग लिया हूँ, और अपना अस्त्र उठा करके देश रक्षा के लिए खड़ी रहेंगी। ये योजना है, और उसमें भी सरकार ने योजना बनाई कि 25% मिलेंगे, और युद्ध काल होगा, संकट काल होगा, तो 100% हो जाएगा। अभी तो समय में रखा है, उनको पैसा दे रहा है एक मुश्त में, तो कम से कम वो 20-22 लाख रुपए लेके आएंगे बच्चे। 10वीं पास को कौन नौकरी दे रहा है, लेकिन सेना दे रही ना साढ़े। लगातार विपक्ष के द्वारा इस पर सवाल खड़े होते, विपक्ष तो होते किस लिए है, पक्ष विपक्ष का यही कार है, विपक्ष सरकार की योजनाओं का उसको खंडित करना है, गलत बताना है। कुछ कोचिंग सेंटर ने हमारे युवाओं को भड़काया था, लेकिन जब उनको समझ में आ गया तो आज उसी उतनी भीड़ है, रिकॉर्ड टूट गए एयरफोर्स ने भी, मैं भर्ती होने के लिए अग्निवीर में, हमारी बच्चियां अग्निवीर के रिकॉर्ड टूट गए ऑनलाइन भर्ती के लिए, उसके लिए डेट नहीं मिल रही कि कब उनको भर्ती करें, ऐसा नहीं है। जब उन्होंने युवाओं ने सोचा, आज हमारे 10वीं पास बच्चे यहाँ कोरेक्स पीते हुए रोडों में घूम रहे हैं। इस समय रीवा में सबसे बड़ी दिक्कत मैंने देखी है वो कोरेक्स की है, क्योंकि मैं भी बाहर से यहाँ पे अपनी पढ़ाई करने भी आता हूँ और यहाँ अपना काम भी करता हूँ, तो यहाँ पे कोरेक्स एक बहुत बड़ी समस्या है। और हालांकि यहाँ प्रशासन को मालूम है कि कोरेक्स बैन है, लेकिन वो बिक रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की गलती है। प्रशासन को मैं कमी नहीं कह सकता हूँ, हो सकता है कि जो हमारे आज सबको शिक्षित होने की ज़रूरत है, हमारे युवाओं को, युवा पीढ़ी को आज शिक्षित करने की आवश्यकता है, कि हम ये जो बच्चे जा रहे हैं, हमारे पेरेंट्स की भी आवश्यकता, हमारा बच्चा गायब रहता है 5 घंटे। लड़कियों के लिए तो मैं बहुत क्लीन है कि बच्ची क्यों नहीं लौट के आई, क्यों नहीं पूछते कि 10 बजे के बाद मेरा बालक क्यों नहीं लौटा, वही सवाल लड़के से भी पूछना चाहिए, लड़के से भी पूछना चाहिए। यही बात मेरा है प्रश्न, कि आरा अभिभावक अगर समझ ले कि मेरा बच्चा अगर 8 बजे 9 बजे 10 बजे लौट के नहीं आ रहा, तो अपराध भी कम होगा, हमारे बच्चियों के बहनों के साथ जो अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा, वो रुकेगा। क्यों? हम पेरेंट्स हैं, बच्चियों के लिए वो सोचते हैं कि यह प्रतिबंध करें। और आज ये शिक्षा की ज़रूरत है, आज शिक्षित हो रहे हैं बच्चे और इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, आने वाली पीढ़ी हमारी ये सोचेगी और हिंदुस्तान के प्रति प्रचार करेगी। और अग्निवीर के लिए इसको गलत फहमी में न पड़े, ये बहुत अच्छी योजना चल रही है। आपको